सो ही वॉज सब गाइज हर्ष एंड बैक इन द वीडियो. सो गाइज इन दिस वीडियो आई टेल यू कि जो एप्पल ने अपनी कीनोट इवेंट पर जो फर्स्ट फेस आईडी ट्राई की थी फर्स्ट टाइम वो फेल क्यों हो गई थी, या फिर जो वो फेल हुई थी वो एक्चुअल में फेल था या फिर नहीं था. ऑलराइट, सो मैंने अभी कुछ देर पहले अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये बता दिया था कि मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ. सो अगर आपने को इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड नहीं कर रखा है तो मेरे पर लिंक्स है उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर भी एक पॉपअप हो रहा होगा, आप उस पर कभी भी क्लिक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. उस पर काफी ज्यादा आपको बिहाइंड द सीन्स या फिर लेटेस्ट वीडियोज आने वाली है, जो अपकमिंग वीडियोज है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट ऑन टू दिस पॉइंट. ऑलराइट, सो उस समय शायद रात के 11 बज रहे थे, एवरीवन वाज प्रीटी एक्साइटेड क्योंकि आईफोन 10 लॉन्च होने वाला था, एंड डोंट यू डेयर कॉल इट द आईफोन एक्स. सो गाइस, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू दैट वीडियो कि उसमें क्या हुआ था. I'm absolutely thrilled to be able to give all of you your first live look at iPhone 10. This is a phone we've been dreaming about for a long time, but the reality of it in your hand, it's really something epic. So let's take a look. All right, guys, so now let's just see. iPhone 10. Now, unlocking it is as easy as looking at it and swiping up. And, you know, let's try that again. Alright, so जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन अनलॉक नहीं हुआ था, बट यहाँ पे जो एरर लिखा आ रहा था वो था योर पासकोड इज रिक्वायर्ड टू एनेबल फर्स्ट फेस आईडी. सो इसका वेट ले में जो शो की आगे क्या हुआ था. फिर उन्होंने एक दूसरा फोन उठाया, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में से वो दूसरा फोन उठाएंगे और शायद से अपने फेस को वाइप करेंगे. पता नहीं वो अपने फेस पे क्या वाइप कर रहे थे, शायद से अपने थोड़ा ऑयल क्लियर कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग. एंड गेट राइट इन. सो हियर वी आर, एंड एज यू कैन सी जो सेकंड फोन था वो अनलॉक हो गया था. एंड नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि जो फर्स्ट फोन था उसके साथ क्या हुआ होगा. ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ योर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू एनेबल फेस आईडी. इसका मतलब फोन अभी अभी रीस्टार्ट हुआ या फिर अभी अभी अपनी फैक्ट्री स्टेट से रीस्टार्ट हुआ. ऑलराइट, सो अगर आपके पास अभी कोई आईफोन है या फिर आईफोन 6, 7, 8, आप उसको अगर शट डाउन करेंगे और उसको जब रीस्टार्ट करेंगे तब सबसे पहले ये एरर आएगा कि योर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू एनेबल फेस आईडी. बट अगर वो फेस आईडी को आपके रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए था कि इनवैलिड फेस आईडी. जैसे कि आपके टच आईडी के साथ होता है, वहाँ पे लिखा आता है कि Wait, let me just show you. अगर आप कोई गलत फिंगर भी लगाते हैं अपने टच आईडी पर तो वहां पर ये नहीं लिखा आता है कि योर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू एनेबल टच आईडी. वहां पे लिखा आता है प्लीज ट्राई अगेन. सो अगर आप अपना फोन रीस्टार्ट करते हैं तो टच आईडी में तब लिखा आता है कि योर टच आईडी इज रिक्वायर्ड, योर पासकोड इज रिक्वायर्ड टू एनेबल टच आईडी. दिस इज ऑब्वियसली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन. ऑलराइट, सो ये हो सकता है कि जो ये वाला डिवाइस पड़ा हुआ था ये ऑलरेडी पावर ऑफ स्टेट में हो और जैसे इवेंट स्टार्ट हुआ हो तब उन्होंने पावर ऑन किया और इसमें एक बार भी अपना पासवर्ड नहीं डाला, और तो डेफिनेटली ये एरर आना ही था. ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं अगर मेरा मोबाइल ऑफ होगा मैं उसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा आएगा कि योर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू एनेबल टच आईडी. यहाँ पे ये नहीं लिखा आएगा कि प्लीज प्लेस योर फिंगरप्रिंट. ऑलराइट, जो सेकंड फोन था वो शायद से ऑलरेडी एक बार अनलॉक हो चुका था पासवर्ड के साथ और उसके बाद इसलिए उसमें टच आईडी से काफी फेस आईडी से काफी जल्दी वो अनलॉक हुआ. ऑलराइट, तो इस वीडियो को देखा पता चली गया होगा कि जो फेस आईडी फेल हुई थी वो एक्चुअली में एक फेलियर नहीं था, वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि फोन फर्स्ट टाइम एक बार अपने पासवर्ड के साथ अनलॉक नहीं हुआ था. ऑलराइट गाइस, सो मैंने एक पूरी वेबसाइट पे इसके बारे में आर्टिकल भी लिख रखा है, वो भी चेक करने पर लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में, आप उसे कभी भी देख सकते हैं. एंड गाइस, आई थिंक दैट स्टफ वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.